नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सप्तोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आपका इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। व्हाई इस्लामिक स्टेट्स आर फेलिंग, और ताकत बिना गाल बजाना, यही है इनका सर तन से जुदा। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि दिस इज द एजुकेशन। आपके यूपीएससी एग्जाम्स में भी पास ये काम आएगा, बिकॉज इफ यू आर अटेंडिंग यूपीएससी कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री बीइंग टॉट बाय यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, जो भी पढ़ाते हैं, दे आर नॉट रेलेवेंट। तो सप्तोलॉजी का बहुत सारा डेटा है विच यू कैन यूज फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। सो यू आर डेट इज वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। नमस्ते एंड वेलकम। नमस्कार। आज का विषय बढ़िया है, ये मुस्लिम स्टेट्स फेल क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ट्रैवल किया है बिजनेस के लिए इस्लामिक कंट्रीज में, और मेरा बहुत ही अच्छा सेल्स रिकॉर्ड रहा है उन देशों में। तो ये जो टॉपिक्स है एकदम रेलेवेंट है वहां के लिए, बिकॉज मैंने कोई भी, हमारे लिए वहां बेचना इतना आसान काम होता था पहले, इतना आसान काम कि बस ये बोलना है अमेरिका से आए, काम हो गया, आधा काम हो गया, बिकॉज पूरा वेस्ट ओरिएंटेड सोसाइटीज है। तो मुझे हमेशा लगता था इनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्या है, नहीं है इनके अंदर, ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना आइडेंटिटी है इनकी खुद की, और उनके सारे लोग बच्चे तो बाहर ही पढ़ते हैं, देयर इज नोबडी देयर लोकल। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो अभी इस सीरीज जो आप कर रहे हैं, तब मेरे को आई एम गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, जबकि मैंने इनके बहुत रिसर्च करके बुक भी लिखी थी, द गोल्ड ग्लोरियन गॉड विच इज वेरी सक्सेसफुल इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं, आप बताइए क्या है नेक्स्ट। तो पहला जो भी देखे लोग शो डेस्टिन टू फेल, और उसके बाद ही ये समझ जाएगा आपको। तो हम लोगों ने एक शो किया था शायद हिंदू टाइप में, मैंने शंकर जी ने और शैलेंद्र भैया ने, उस दिन मेरा नेट काफी परेशान किया, तो मैंने कहा इसको विस्तार से दो करें, तो पहला कर दिया, दूसरा ये है। वस्तुतः उस विषय पर बहुत लंबा काम हो सकता है, 5, 6, 7, 8, लेकिन मोटी बात 2 घंटे में पकड़ में आ जाए। तो हम लोगों को हरदम ध्यान रखना है, ये कोई नैसर्गिक स्वाभाविक नेचुरल देश तो है ही नहीं, ये नेशन स्टेट भी नहीं थे। नेशन स्टेट भी ये अपने भीतर की डिमांड के कारण तो बने नहीं, इनको आर्टिफिशियली आर्बिट्रेली किसने बनाया, इंग्लैंड और फ्रांस ने। क्यों बनाया, तेल का कुएं और जो सी लेन है इंग्लैंड से भारत आने का, सी पैसेज, उसको फ्री रखने के लिए बनाया। कब बनाया, 20वीं शताब्दी में, और बनते बनते 1966 तक आ गया है, यानी ये कितने साल का मामला, 25-50 साल का मामला, 60 साल, 70 साल, 80 साल का मामला कर लो। और इनके नाश की सारी प्लानिंग 20-35 साल पुरानी है। केवल मैं आज पुरानी 2-3 किताब हाथ में लेके बैठी हूं, एक किताब ये देखिए, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन की, सारी भारत में बहस है सभ्यताएं संघर्ष नहीं करती हैं, सभ्यताएं संवाद करती है, अरे इसको का लेना देना है हंटिंगटन को, सभ्यता का करती है का नहीं करती है। इसका मेन कंसर्न था अमेरिका के 2 राइवल जो स्वयं अमेरिका ने खड़े किए, एक कम्युनिस्ट कम्युनिज्म जिसको ये विस्तारवाद या एक्सपेंशनिज्म कहते हैं, दूसरा ये तेल वाले देश जिसको ये इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं। सब नाम ये देते हैं, और नाम ये क्यों देते हैं, इनको निपटाना है इनको। तो ये पूरा का पूरा कथा इस किताब में क्या कर रहा है, इन सबों को निपटाए कैसे, कब कर रहा है, 96 में तो ये किताब छप गई है, 90 में या 92 में इसका एक लेख छपा, कौन से उनके विदेशी किसी अखबार में या जर्नल में, और कहते हैं उस लेख में जितना रिव्यू मिला उतना किसी अन्य लेख को नहीं मिला। 90-92 में लिखा, यानी सोच कब शुरू हो गई, 84, 86, 88,
अब तो 90-92 में लेख लिख के छाप दिया, क्योंकि इस तरह के सारे मामले पहले तो एक छोटे ग्रुप में बात होते हैं ना, जिसको हम लोग कह ले वॉर रूम, और उसके बाद पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डोमेन में तो बहुत बाद में डाला जाता है। कब डाला जाता है? जब उसके लिए पब्लिक ओपिनियन बिल्ट अप करना हो। जो मैं तीन शब्द कहती हूं, ओपिनियन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो जब ओपिनियन मेकिंग का निर्णय हुआ, 1996 में इतनी मोटी किताब लिख दी, 96 से 2024 28 साल, यानी करीब 35 साल पहले इन सबों को सलटाने के लिए एक नरेटिव बिल्टअप किया गया कि साहब अमेरिका और यूरोप का यानी वेस्ट का एक अलग सभ्यता है, और ये सब मिया लोगों का, तेल वालों का एक अलग सभ्यता। इसमें मलेशिया इंडोनेशिया की चर्चा नहीं है, टर्की की भी चर्चा बहुत जरा सी है, मिस्र की तो चर्चा ही नहीं है, अफ्रीका वालों की तो चर्चा किसकी है? तेल वाले जगह की। और दूसरा कम्युनिज्म को निपटाना है। तो कहा कि ये कहा कि साहब एक कोई सिविलाइजेशन का क्लैश है। अब देखिए 90 के पहले यानी आज से 35 साल पहले ऑन रिकॉर्ड यूरोप इनको निपटाने की सोच रहा है, सोच नहीं रहा है, निपटाने के लिए ओपिनियन मेकिंग दुनिया में शुरू कर रहा है, इनके खिलाफ वातावरण बनाना शुरू कर रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अल्लाह हो अकबर, हम इसको मार देंगे, उसको फेंक देंगे, उसको काट देंगे, उसको उड़ा देंगे। यूएसए शैतान है, यूरोप शैतान है, रूस शैतान है, भारत वाले काफिर है, मैंने दुनिया भर में बकबक बकबक बकबक, तैयारी क्या है भाई तुम्हारी? पब्लिक ओपिनियन अमेरिका वाले कौन है? अमेरिका वाले 90 में, 86 में, 88 में सुपर पावर, 89 और 90 के बाद क्या है? दो सुपर पावर नहीं, एक सुपर पावर। 89-90 में सोवियत रूस का डिसइंटेग्रेशन हो जाता है, और सोवियत रूस के डिसइंटेग्रेशन के लिए 79 से 89 क्या तैयार करते हैं? ये जिहाद तैयार करते हैं। और यही 79 से 89 का पीरियड है जब ईरान में आयातुल्ला खोमैनी उत्पात खड़ा करता है, यही 79 से 89 का पीरियड मोटा माटी है जब इराक और ईरान को अमेरिका लड़ाता भिड़ाता है, यानी उसको निपटाने के लिए जिहाद खड़ा किया, जिहाद वालों को के खिलाफ जनमत तैयार किया कि साहब देखो ये लोग तो एक विचित्र तरह के एक्सक्लूसिव लोग हैं, इनमें जिहाद की आइडेंटिटी भी तैयार की और जिहाद के विरोध में जनमत भी तैयार किया। इधर ये कश्मीर में उत्पात खड़ा कर रहे हैं, अब बहुत गाल बजा रहे हैं, हम ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह तो अकबर है ये है भाई, लेकिन तुम्हारे इस चेतना के साथ, इस कॉन्शियसनेस के साथ ताकत कहाँ है? अब इससे रिलेटेड हम दूसरी बात करते हैं, वो भी इसी किताब का, और भी हम बाद में दो एक पुस्तक लेते हैं कि साहब वो हम बात पहले बार बता चुके हैं अपने इसके पहले वाले टॉक में कि तेल के लिए नेशन स्टेट जैसे ही बनाते हैं उसी समय 1860-70-80-90 में 96 में तो कही देता है कि जूस लोग यूरोप के कि हमको एक इजरायली नेशन चाहिए, जूस नेशन चाहिए, 60-70-80 से ये यहाँ आ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह। 1917 में इंग्लैंड कही देता है कि हम आपको होमलैंड का वादा करते हैं, आप जर्मनी के खिलाफ जू लोग हमको मदद कीजिए, और 1948 में जूस लोगों ने अपने दम पर ऐलान किया
एक जूस स्टेट, ध्यान दीजिए स्टेट और नेशन का फर्क, एक जूस स्टेट इज़राइल की हम स्थापना करते, और जब वो स्थापना करते तो फ्रांस इंग्लैंड भाग चुके हैं, उनको जरूरत अब नहीं है, अब अमेरिका को जरूरत है, लेकिन अमेरिका भी ठंडा ठंडा बैठा है। और 48 मई में शायद ये डिक्लेयर करते हैं, और 6 दिन के अंदर ये सरतन से जुदा वाले 5 चढ़ बैठते हैं, और 6 दिन की लड़ाई में 7 लाख लोग भाग जाते हैं, जिसको ये लोग क्या तो कहते हैं, नकबा नकबा, ऐसा ये एक शब्द कहते हैं, जिसका मतलब कयामत आ गया, इन लोग का बहुत नाश हो गया, नकबा अकबा ऐसा ही कोई शब्द ये लोग कहते हैं। तो 48 वाली लड़ाई, फिर 67 वाली लड़ाई 20 साल के भीतर भीतर, फिर 73 वाली लड़ाई, क्योंकि दोनों लड़ाई में बहुत टूटे, तो 67 के बाद 73, 6 साल की लड़ाई, तीनों में पिट पिट आ गए। 73 में तेल का दाम बढ़ा, और तेल का दाम बढ़ते ही, अब यहां पर ध्यान दीजिए, तेल का दाम बढ़ते ही यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ स्लाइडिंग, और इनके कुटाई पिटाई की तैयारी। यही वो समय है जब टिंटिन नाम का कॉमिक्स आप लोग खोज के देखिएगा, उसमें एक अरबी आदमी दिखाते हैं, मुल्ला दाढ़ी वढ़ी वाला, वो जोकर है, क्लाउन है उस पूरे सीरीज का, और भी बहुत सारी चीजें होती। उसी समय 73 के बाद OIC बनता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसमें तुर्की नहीं है, तुर्की कौन है, ओटोमन एम्पायर, कब से है, जब से चंगेज खान इनको कूट काट दिया है 13वीं शताब्दी में, चंगेज खान की कुटाई के बाद मियां लोग कहीं नहीं है। नरेटिव बिल्डिंग, आजकल एक नया शब्द चला है नरेटिव, उसका असली शब्द है गप्पबाजी, मनगढ़ंत, कौवा कान ले गया, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये जो है यही आजकल का नरेटिव है। नरेटिव क्या बिल्ट अप किया, सब यूरोप वाले ने बिल्ट अप किया 19वीं 20वीं शताब्दी में, के इस्लाम आया, वो इस्लाम तेजी से फैला, दुनिया में छा गया, यहां से वहां हो गया, काहे बाबू लोग को नीम की झाड़ पे चढ़ा रहे थे। 13वीं शताब्दी में तो चंगेज खान के कुटने मरने के बाद ये कहीं थे ही नहीं, उसके बाद था कौन, पुनः सेंट्रल एशिया से आने वाले तुर्की लोग, तुर्की लोग यहाँ, तुर्क में ओटोमन एम्पायर वर्तमान तुर्की है, यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ आकर बसे हैं, कौन लोग है, सनातनी शक लोग हैं हम लोग, उसी तुर्की का ओटोमन एम्पायर है, इनका खलीफा है, इसी खलीफा को मार काट के तोड़ के लबनान, जॉर्डन, बेरूत, ईरान, इराक, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुनिया भर के देश निकाल दिया, अल्जीरिया, पल्जीरिया, सब उसको तोड़ फोड़ के निकाल दिया, और OIC में तुर्की नहीं है। अब ये नरेटिव से गायब है, क्यों, तुर्की लोगों को अरबी लोग अपना दुश्मन मानते हैं, तुर्की लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा। मैंने याद है आप लोग के यहाँ 3 भाषण किया था इस्लाम की विदाई में, उसमें एक बात कहा था, एथनेसिटी, ये कोनो उम्मा टुम्मा नहीं है, एक नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बना रहे हैं तो तुर्की आउट है। आज तक अरबी लोग अपने किसी भी मामले में तुर्की को नहीं जोड़ते हैं। अब सुनिए एक बड़का, ये जो कोहेशन, कॉन्शियसनेस विदाउट कोहेशन, इस विषय को समझा रही। दूसरा, ईरान गायब है, जो ईरान इजराइल से लड़ रहा है, अरब अलग है, तुर्क अलग है, ईरान पारसी पहलवी अलग है। कारण,
जो पूरा इस्लाम लिखा गया, शरिया हदीस कौन लिखा? ईरानी लोग लिखे। कब लिखे? 300 साल बाद लिखे, 400 साल बाद लिखे। ईरानी पर्शियन लोग कौन है? सनातनी लोग हैं। वे इनको एकदम जंगली, घटिया, अनपढ़, असभ्य, टेंट में रहने वाला, बकरी, भेड़, ऊंट चराने वाला मानते थे। किसको? उसी अरब को, जिसको नरेटिव के माध्यम से 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक लॉरेंस और एक कौन है, एलिजाबेथ नाम की लड़की है, क्या नाम है मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है, ये दो थोड़े गुनी, एक एलिजा, एक वो लड़की है और एक ये लॉरेंस है, इन दोनों ने नरेटिव बिल्डिंग से चढ़ा दिया। तो ये तुर्की आउट, पर्शिया आउट, मिस्र आउट। मिस्र क्यों आउट? असली बात ये है, मिस्र तो अफ्रीका है ना। तुम अपने वर्णन में इसको अरब कहते हो, अरब तो नहीं है। अरब कौन है? भेड़, बकरी, ऊंट, टेंट में रहने वाला बद्दू। और मिस्र कौन है? पिरामिड वाला, स्फिंक्स वाला, देवी वाला, देवता वाला, नील नदी वाला, आसवान डैम वाला, क्लियोपेट्रा वाला। नरेटिव में तुम कहते हो ना, इस मिस्र ने 73 की लड़ाई के बाद इजरायलियों से दोस्ती कर लिया और कहा लड़े हम, जो हम लड़े, सेना तो उसी के पास है ना, पुराना देश है ना। कन्वर्जन से क्या होता है? कन्वर्जन से स्मृति नहीं खत्म होती है। स्फिंक्स पिरामिड अपने पुरातन होने का गौरव नहीं खत्म होता है। तो वो कहता है कि लड़े हम, मौज करें ये, तेल का पैसा खाए ये, मिस्र के पास तो तेल है नहीं, तो हम इजराइल से नहीं लड़ते। तो अब जिसको इस्लामिक गाल बजाना, मार देंगे, काट देंगे, सिर्फ तन से जुदा कर देंगे। अरे तुम तन से जुदा किसका करोगे? कहीं तुर्की का करोगे, कहीं पर्शिया वालों का करोगे, कहीं मिस्र वालों का करोगे। एक और है पाकिस्तान। भारत से 1947 में ये वो कहानी भी हम आप लोग को सुना चुके हैं मोटा मोटी। मियां लोग के बल पर अलग नहीं हुआ ये। सोवियत रूस को हैंडल करने की जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट थी, उसके कारण ये पोर्शन यूएसए और इंग्लैंड के कंट्रोल में रहना जरूरी था। इसको क्या वहन हो गया? ये भी पुराना हिंदू। अमेरिका इसको पाल पोस रहा है रूस को निपटाने के लिए। तो मैं लीडर, और वो मैंने आपको बताया ही है, ईरान वाले कहते हैं बस से गुजरना, अपना टट्टी पेशाब अपने बर्तन में रखना, ईरान की धरती पर ना गिरेगा। और बाकी अरब वाले इनको दो कौड़ी का मानते हैं। तो लीडर है कौन? लीडर है अरब का अरबी शेख। क्यों अरबी शेख है? मक्का है, मदीना है, मक्का और मदीना है, तेल भी बहुत है, लेकिन बाकी तो जय जय सीताराम है। आदमी नहीं है, जानवर भी नहीं है, फसल भी नहीं है, शहर भी नहीं है, नगर भी नहीं है। और मक्का और मदीना का मालिक बनाया कुरैश को नहीं, हाशिम को नहीं, सुन्ना को नहीं, बनाया किसको? बहाव को। किसने बनाया? आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल, देयरफॉर फ्रेगाइल। इंग्लैंड और फ्रांस ने ये आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट बनाया। इसको पते नहीं, करे तो क्या करे? तो ये अपना राजधानी कहाँ बनाता है? मक्का मदीना? ना 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 ना, मक्का मदीना गड़बड़ है। कहाँ बनाता है? धुर रेगिस्तान में, रियाद में। अब लोग भौगोलिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी लोग न देखेंगे न सुनेंगे। रियाद में क्यों बनाता है?
वो मस्जिद के बीचों बीच है। अब ये मस्जिद क्या बना है, मस्जिद जो है जहां का वहां भी है, धुर रेगिस्तान, जहां हवा में भी नमी नहीं है। ये कैसी बला है, इसको पढ़िए आप लोग मस्जिद को, रबल खाली को, तब आप समझेंगे। ये बेचारे के पास तो सेना भी नहीं है। शैलेन भैया ने बताया इनकी रक्षा के लिए, किससे रक्षा के लिए, सऊदी अरेबिया की रक्षा इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका से नहीं करनी है, ये तो सऊदी अरेबिया का रक्षक है, सऊदी अरेबिया का रक्षा करना है तुर्की से, ईरान से, हिजबुल्ला से, यमन में बैठे हूती से, मियां का रक्षा मियां से करना है। तो लीडर तो है ही नहीं, और सुदान फुदान इंडोनेशिया मलेशिया ये तो चर्चा के काबिल नहीं है। तो आपको सब तन से जुदा करना है। आप ये सारा डेटा विस्तार से अगर आप लोग को पढ़ना है तो 96 मतलब 92-94 तक का आंकड़ा इसमें है। दो और पुरानी किताबें मेरे हाथ में, पुरानी किताबें, नई नहीं, नई आज मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, इन किताबों से भी अभी कुछ बताऊंगी। तो आपको दुनिया भर में इस्लाम फैलाना है, ताकत कहाँ रे बच्चा तेरे पास, फौज है, आर्मामेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तेरी तो धरती चपटी है, धरती तो चर्च की भी चपटी है लेकिन वो ऊपर चढ़ के जा रहा है। तुझे तो मदरसे से फुर्सत नहीं है, तेरा अल जजीरा भी तो यूरोप अमेरिका चला रहा है। तो इसके अलावा एक दो चीज और, एक तेल, और तेल भी तेरा पुराना चीज नहीं है, तेल भी लेट 19th या बिगिनिंग ऑफ 20th में इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी बाद में अमेरिका खोज रहा है, निकाल रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तेरे यहां तो तेल की खपत ही नहीं है भाई, जो टोटल तेल का प्रोडक्शन है गरीब देख लीजिएगा उसका कितना नन्हा परसेंटेज इस एरिया में खर्च हो रहा है। तो जिसको मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, अरे भारत एंगस मेडिसन के अनुसार जब दुनिया भर में वो, मैंने वो भी बताया, वो 36, 26, 27 कर रहा है, मैंने सब आंकड़ा जोड़ के उसी का दिया हुआ डाटा जोड़ के बताया है, 60-70% जाता है। क्योंकि कौन सा भारत, 15 अगस्त 1947 वाला भारत कि 14 अगस्त का पाकिस्तान बांग्लादेश वाला भारत कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का अफगानिस्तान है, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और लेट 19th सेंचुरी का पांचों स्थान वाला भारत कौन सा भारत। तो इसके बावजूद मोदी जी एक एक चीज में सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। इतना भयंकर पसा आया है तेल के बाद, तुमने क्यों नहीं बात की? अरे वो तो सेल्फ रिलायंस थे ही भाई, बकरी, भेड़ और ऊंट, थोड़ा सा खजूर, थोड़ा सा पानी, इनसे इनकी जिंदगी कब से चली आ रही है, जब से धरती है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दे वर सेल्फ रिलायंट, इन व्हाट सेंस, दैट दे हैव टू लिव वेयर दे वर लिविंग। अब ये नैरेटिव बिल्डिंग से नहीं होता है ना कि यूरोप को अरबों ने जीता, यूरोप को तो बर्बर लोगों ने जीता ना भाई, यूरोप को नहीं, स्पेन को, मूर लोगों ने जीता ना भाई। अब मूर को तुम मोरक्को का नहीं बता के, अफ्रीका का नहीं बता के अरबी बताओ, तुम्हारा शौक है। अरब वालों ने तो स्पेन देखा नहीं है भाई। तो नरेटिव के बल पर
ये जो झूठा कॉन्शियसनेस रचा गया, क्या रचा गया, हम तो ये वाले हैं। अरे जाके इन लोगों से पूछो, ये कह रहे हैं कि आठवीं शताब्दी के बाद गुलामी से मुक्ति हुई है, बीसवीं शताब्दी में 1200 साल बाद। किसकी गुलामी? फारसियों की गुलामी। ये पारस को प नहीं कहके फ कहते हैं, फारस की गुलामी और तुर्कों की गुलामी से। और भारत को ये कहते हैं जी, भारत 800 साल इनके शासन में रहा। किसके शासन में रहा भाई? हम तो पूरा इतिहास पढ़ गए, ईरान से तो दो प्राण ही नहीं आए। ये दूतों को बताते हैं, एक नादिर शाह को, एक अब्दाली को। तो नादिर शाह और अब्दाली तो 18वीं शताब्दी में है ना भाई, 8वीं से 18वीं 1000 साल तक तो कोई नहीं आ रहा है भाई। और ये भी जो कथा है, ये दो के लड़ाई की, भारत उतने थोड़ बिंदी भर जो लड़ने आए और चला गया। नादिर शाह का कुल खेला कितने दिन का, और अहमद शाह अब्दाली का कुल खेला कितने दिन का? उससे बहुत बड़ा खेला तो मराठों का और महाराजा रणजीत सिंह का है। तो यूरोप वाले जब नरेटिव रचते हैं तो क्या कहते हैं? इनविंसिबल कौम, ना हारने वाले कौम। इनसे पूछो, ये हारने का तो रोना रोते रोते थक जाते हैं। तो इस्लामिक नेशन स्टेट्स फेल कर रहे हैं, फेल करेंगे, ये इनकी नियति है। नियति जो है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टिल डेट दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ स्टेटहुड, दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ नेशनहुड, दे हैव नो सेल्फ इमेज ऑफ नेशनहुड। ये दो थोड़ी अच्छी किताबें हैं, ये मैंने पहले भी कई बार दिखाई है, इसको ही आप लोग देख लीजिए। पुरानी किताब है और ये भी बहुत पुरानी किताब है, इसको भी देख लीजिए तो आपको पता चलेगा अपने कुनबे के बाहर इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। पहाड़ वाला पहाड़ वाले तरीके से रह रहा है, रेगिस्तान वाला रेगिस्तान वाले तरीके से रह रहा है, जो वादियों में है वो वादी के तरीके से रह रहा है। लैंग्वेज का झंझट है, मैं तो इनका नाम भी नहीं उच्चारण कर पाती हूँ बिना किताब के सहारे से, इतना अधिक डिवीजन है। लेकिन एज नेशन स्टेट्स दे आर फेलिंग। पहला कारण आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल एंड देयरफॉर फ्रेगाइल क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पावर्स इन 20th सेंचुरी इन सच ए मिस्चीवियस मैनर दैट थ्री नेशंस इन वन स्टेट कवरिंग मेनी नेशंस, और सब कुत्ता बिल्ली सांप नेवले की तरह लड़ गए। इस पूरे 60-70 साल में जितना इन लोगों ने खुद को मारा है, खुद को मारा है, ये हम नरेटिव की भाषा में कह रहे हैं। नरेटिव के भाषा में इस्लाम, मुसलमान, अरब, ये सब सिनोनिम है, एक है। और इनकी अपनी भाषा में बहावियों के लिए ईसाई और यहूदी प्यारे हैं, सुन्नी, यमनी, ओमनी, कुवैती, इराकी, ईरानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, मलेशियाई, इंडोनेशियाई, मिश्री, मोरक्को की तुलना। तो इनका प्राइड क्या है? एक दूसरे को मारना। और नरेटिव की भाषा में इन्होंने जितना ज्यादा एक दूसरे को मारा है। दूसरा, क्योंकि इनमें कभी स्टेटहुड था ही नहीं, ये जो दुनिया का साम्राज्य
नरेटिव में है, रियलिटी में आइसोलेटेड पॉकेट्स में छोटे छोटे ग्रुप। खेती खेतीहर लोग नहीं है ये लोग, पशुपालक लोग है, और पशुपालक भी सेंट्रल एशिया वाले नहीं, 10,000, 20,000, 25,000 जानवरों को लेके चलने वाले। ना ना ना, जहां जितना बड़ा नखलिस्तान उतना बड़ा साइज पॉपुलेशन का नहीं है। इंडस्ट्री इनके यहाँ कभी है नहीं, खेती नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ट्रेड नहीं है। अरबी नेविगेशन वह क्या है, अरबी घोड़ा जैसा चीज है। तो यूरोप वाले जिसको काटना मारना होता है उसको सर पे चढ़ा देते हैं, क्यों, इससे तो हम निपट लेंगे, और जिससे डरते हैं उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। इस पूरे किताब में भारत की चर्चा है। तो एक इनको इकोनॉमिक फाइनेंशियल जीवन आता नहीं, 70 साल में कोई भी समाज सीख नहीं सकता, इन्होंने भी नहीं सीखा, क्योंकि स्टेटहुड का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव क्या है, गाल बजाना, हम उम्मा हैं, हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम सर से तन से जुदा कर देंगे, हम क्या इस्लामिक आईएसआईएस कुछ स्टेट बनाएंगे, हम खुरासान करेंगे, तो हम गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए इंग्लैंड करेंगे, गजवाए जर्मनी करेंगे। अरे तू गजवाए अरब तो कर ले भाई, गजवा तो मोहम्मद साहब के साथ गया भाई, तू एक दूसरे के गर्दन काटने से तेरे को फुर्सत नहीं। फिर सारे संसार को अपना शत्रु बना लिया। उसके अलावा ये जो इनके पास कोई भी कोर स्टेट नहीं है, ये भी हंटिंगटन की भाषा, कोर स्टेट किस अर्थ में, अरब लीडर है, सऊदी अरेबिया लीडर है, कि टर्की लीडर है, कि पर्शिया लीडर है, कि इजिप्ट लीडर है, कि पाकिस्तान लीडर है, कि सबसे बड़ा इंडोनेशिया और मलेशिया लीडर है, कौन है, जो कहेगा दूसरा उसका गर्दन काटेगा। इस कारण जहां सबसे ज्यादा तेल है उसकी दोस्ती किससे है, यूरोप और अमेरिका से। यूरोप अमेरिका 90 के बाद थक गए हैं इधर आके लड़ाई करने में, तो कहा देखो तुम्हारे पास दो है, भारत और इजराइल, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए यहाँ वाले क्वाड में 4 मेंबर हैं, एक है इजराइल, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, और चौथा है यूनाइटेड यूएई, यूनाइटेड अरब एमीरेट। माने इनके 3 शत्रु इनके रक्षक हैं। तो मैंने मोटा मोटी बात 33 मिनट में कह दी कि जितने भी ये स्टेट बने, 56, 52, 54, 36, 33, 20, ये क्या है, इनका इनकी आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, ये किसी अन्य के टूल है, चूंकि आर्टिफिशियल है, फ्रेगाइल है। फ्रेगाइल को क्या कहेंगे, जैसे कांच का बर्तन होता है, फूट जाएगा है, नाशवान है, कमजोर है, भंगुर है, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। तो इनके स्वभाव में ही नष्ट हो जाना है, ये इनकी नेचुरल आइडेंटिटी नहीं है, और आज की भाषा में इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, इनके पास मिलिट्री पावर नहीं है, इनके पास इजराइल जैसा जैसा डिप्लोमेटिक कूटनीतिक पावर नहीं है। तो जब तुम्हारे पास कोई पावर है ये नहीं बच्चा, तो गाल बजाने से, जैसे हमारे राहुल गांधी है ना, जलेबी की फैक्ट्री लगा देते हैं, एक तरफ आलू डालते हैं, दूसरे तरफ सोना निकाल देते हैं, तो ये सब सुन के आनंद बहुत आता है, लेकिन इससे रियल पॉलिटिक्स नहीं होती है।
आप किसी न किसी के हाथ के टूल बनते हैं। और दूसरा, इस क्षेत्र में जब अल्लाह ताला ने नेशन स्टेट नहीं बनाया तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका का बनाया हुआ नेशन स्टेट कितने दिन टिकेगा? जी आदित्य जी, कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। आदित्य जी, आदित्य जी गायब हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गायब हुआ। मैं एक्चुअली इसके स्क्रीन में थोड़ा बटन मैं क्लिक कर रहा था, वो क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोलिए। एक्चुअली मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। तो 35 मिनट के बाद मैं थोड़ा एडवाइस देना चाहूंगी, राय देना चाहूंगी दो तीन तरह के लोगों को। एक, जिनको इनसे निपटना है, सारे संसार को इनसे निपटना है, तो सारे संसार को ये जानना होगा कि इस्लाम से इनका लेना देना 0/0 है। इस्लाम माने क्या? कुरान। कुरान का पालन तो यही नहीं कर रहे हैं भाई। ये क्या कहते हैं, रसूल करकी गुस्ताखी की सजा सरतन से जुदा। तो भैया तुमने से तो किसी का सर तन पे नहीं बचेगा ना। कारण तुम तो वो हदूद गुनाह कर रहे हो, गुनाह अगेंस्ट अल्लाह। तो जिनको इनसे निपटना है उनको ये समझना होगा कि मुनाफिक, मुशरिक और हदूद गुनाह क्या है। समझना बहुत आसान है, मेरे भी कई भाषण है। हम लोगों की एक छोटी सी किताब है, कुरान तो है पर इस्लाम नहीं, मुसलमान कोई नहीं। हमारी ये छोटी सी किताब है और ये किताब अक्षय प्रकाशन में छापी है और आप लोग इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे तो आप लोग को दिखाई दे जाएगा। किसी भले मानुष को अगर ये विषय महत्वपूर्ण लगे, पतली सी पुस्तक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। इसकी एक बड़ी पुस्तक भी है, बनावटी मुसलमान, सब टाइटल कुछ कुछ है। उसको किसने छापा था याद नहीं आ रहा है मुझे, वो भी उपलब्ध है अमेजन पर। तो जिनको इनसे निपटना है उनको बार बार इनको बताना होगा जिस कि देखो भाई, तुम तो खुद अल्लाह के गुनाहगार हो, रसूल के गुनाहगार। एक बात। दूसरा, नेशन स्टेट के लेवल पे ये जो लोग हैं, ये लोग इनको ठीक से निपटाए चले जा रहे। इन लोगों को मेरी एक एडवाइस होगी, मुनाफिक और मुशरिक लोगों की, कि भाई न घर के हो तुम न घाट के, कोई एक का बन जाओ, या तो रसूल के बन जाओ, और रसूल का ना बन पाओ तो जहां से आए थे वही टिक जाओ। लेकिन ये बीच वाली स्थिति में जो घर का भी नहीं है, घाट का भी नहीं है, उसकी दुर्गत होनी तो निश्चित तय है। मुझे तो आज बोलने को अब इससे ज्यादा कुछ सूझ नहीं रहा है। और एक चीज और, एक और, ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, ये बड़ा जबरदस्त और गजब मूवमेंट है। और इसमें मैं भारत में दो तीन लोगों को जानती हूं, एक सच वाला जी को सुना है, सबसे गंभीर मुझे वही लगे, और एक एडम, एक साहिल, दो को मैंने सुना है। और जो मुझे शैलेंद्र जी से पता चला, शैलेंद्र भैया से, कि ये बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं। तो जो लोग
इनकी असलियत को गंभीरता से समझना चाहे वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को समझे। और एक चीज और, जिस प्रकार चर्च को ईसाई स्त्रियों ने तोड़ दिया, उसी प्रकार इनको निपटाने का काम ईरान विरान का हम लोग सुन रहे हैं और जगह भी चल रहा है। और एक और है, बहुत ही समझदार व्यक्ति, MBS कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान शायद, वो जो सऊदी अरब वाला है, क्राउन प्रिंस, ना क्राउन है ना प्रिंस है, लेकिन पता नहीं का है, क्राउन प्रिंस कहते हैं, जो भी MBS। तो ये 3-4 फैक्टर पर्याप्त है। मुझे तो अब कहने को और कुछ लगता नहीं है। ये लगता है सब लोग अपने लोग हरि नाम संकीर्तन करो, बहुत काम उसी से हो जाएगा। एक्चुअली दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि बहुत सारा चीज, अभी हम लोग हिंदू भय के कारण घर से बाहर नगर संकीर्तन करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, जबकि हमारे यहाँ कस्टम है प्रभात फेरी का, सायंकाल फेरी का, दो ऐसे नहीं छोड़ा है, छुड़वाया कांग्रेस ने, बाद में काहिली और आलस पड़ गया। केवल कांग्रेस ने छुड़वाया है बहुत व्यवस्थित तरीके से, भय से नहीं छूटा है। नहीं बट स्टिल अभी तो आदत छूट चुकी है हिंदू वाले में, प्रभात फेरी करने में कौन सा डर है भाई, अपना मंदिर विजिट करने में कौन सा डर है भाई, अपने घर में हरि नाम संकीर्तन करने में कौन सा डर है भाई, गरबा के नाम पर मंगाई कर रहे हो तब डर नहीं लग रहा है? ये भय वाली बात आप ना कहिए बिल्कुल। अगर इतने ही लोग भयभीत होते तो ये लव जिहाद कैसे होता, गर्भिया करती घूम रही है लड़कियां। कांग्रेस ने छुड़ाया, उसका काम था छुड़ाना, दोबारा हम पकड़ लेंगे, हमारा काम है। हम अपने मंदिर जाने लगे, अपने तीर्थ त्योहारों को एकदम सात्विक ढंग से करने लगे, ऐसे 50 काम हम जो करना शुरू कर दें, सब काम सरकार ही थोड़ी देगी। बिल्कुल सही बात है, और एक्चुअली हमारी सारी परंपरा तो बोलती है, सारे आपस में राम राम कहना छोड़ दिए, दोबारा शुरू हो गया है बड़ी तेजी से, जय राम जी कहना छोड़ दिए, कौन सा भय है जी, कौन सा भय है? ये आलस्य है, आलस्य है, प्रमाद है, भय कहाँ है? प्रमाद भय भी है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि सब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। भय नहीं है, उसको भय क्यों कहते हैं? भय हो मार का, काट का, उस क्षेत्र में जाने का ना, पहले आप अपने में तो शुरू करो, इतनी मजबूती हो जाएगी, झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। लंदन में लेस्टर स्क्वायर में हम लोग हरिनाम के लिए निकलते थे फ्राइडे की नाथ, क्योंकि सब लोग वहां पार्टी कर रहे हैं, और हम लोग, वो लंदन का नाइट हब था, तो पीछे से कोई आता था हमको, किसी एक जो लास्ट में व्यक्ति है ना, उसको पीट के चला जाता था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम 3-4 लोग थे अच्छे शरीर वाले, तो हम पीछे की तरफ खड़े हो गए। अब जो पकड़ने आया उसको हम पकड़ लेते थे और जम के वहीं पे ठुकाई, और फिर उसके बाद उस पता लगा उस गैंग में से 4 लोग भक्त बन गए पिटने के बाद। क्योंकि अगर हिंदू लोग ऐसे खड़े हो जाए ना, कि अब हम इंग्लैंड की बात बता रहे हैं, भारत में मैं जहां रह रही हूँ यहाँ सब हिंदू हिंदू लोग हैं, करे ना हरि नाम संकीर्तन, कौन मना किया, अपने घर में करो ना, ब्राह्म मुहूर्त में उठो ना, बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि एक तो सामाजिक भय होता है, भय एक्चुअली रियल है कि हम जाएंगे तो फिर हम लोग को ज्यादा बैकवर्ड दिखाई देंगे, भी भय एक तरीके का। आप अमेरिका और यूरोप की बात नहीं कर रही, मैं भारत की बात कर रही हूँ। नहीं भारत की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, कि भय है लोगों को कि जाएंगे तो फिर ये पुलिस एक्ट करेगी हमारे विरुद्ध, ये भय है लोगों को। अरे अपने घर में राम नाम संकीर्तन करने में पुलिस कैसे करेगी? संकीर्तन की बात कर रहा हूँ, नगर संकीर्तन की बात कर रहा हूँ। नगर संकीर्तन 2 नंबर पे आ जाएगा ना, हिंदू मोहल्ले में जाओ ना, अपनी सोसाइटी,
पहले घर में तो संकीर्तन शुरू करो भाई। आप लोग नगर संकीर्तन इसलिए कर पाते हैं, गुरुकुल में आपको अभ्यास है, आपको सारे उसके नियम कायदे करने के अभ्यास है। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो घर में कुछ नहीं कर रहे। क्या नगर संकीर्तन करने से भय चला जाता है? मैं आपकी बात मान रही हूं, लेकिन अचानक से जो कौन सा व्यक्ति है जो कि घर में कुछ ना करे, एकांत में कुछ ना करे, सीधे नगर में जाएगा? बताइए आप। नहीं, आपकी बात लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है, लेकिन कलयुग में नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। नियम में क्या होता है, आपकी बात एकदम लॉजिकल है क्योंकि घर पे तो करना ही चाहिए और बाहर भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो यूथ, मैं क्योंकि बहुत सारे यूथ से कनेक्टेड हूँ, मैं आपको बताऊँ, लास्ट फ्राइडे को हमारा सैंडिएगो में नगर संकीर्तन हुआ, ऑल यंग पीपल, हिंदू फैमिली से, और सब नए नए लोग, और मैं उनको और कुछ स्टूडेंट्स भी थे, और मैंने उनको पूछा कि भाई आपको इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, आज आ गए? बोले आप लोगों को देखा तो हमको लगा ये तो हमारा कल्चर है। वो वहां पे पार्टी करने आए थे और हम लोग वहां पे नगर संकीर्तन कर रहे थे, तो वो लोग जुड़ गए वहां पे, उनको लगा कि अब हमारी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बड़े बड़े शहरों में, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, बिना भय के निकालिए, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, क्या कौन छू सकता है आपको? कृष्ण का नाम मुंह पे होगा, कुछ छू के दिखा दे, गारंटी है। लोग करें, कोशिश तो करें, और जैसे बाहर आप करेंगे आपको घर के अंदर करने की शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि लोग आजकल शर्म की वजह से घर के अंदर भी नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप ही डिस्करेज करते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, ये तो साधु बन जाएगा। साधु बनना इतना आसान काम नहीं होता है, तो ऐसा मत सोचिए कि कोई मंदिर चला जाएगा। बट थैंक यू वेरी मच आज के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। ताकत बिना गाल बजाना, मुझे जबरदस्त लगा टाइटल इसका, ताकत बिना गाल बजाना। तो ताकत लाने के लिए आज हमने बात कर दी हिंदुओं के लिए भी, और मुसलमानों की तो ताकत बढ़ने वाली नहीं है, खत्म होने वाली है। तो उनका अधर्म में तो ताकत होती नहीं है, नष्ट होने का समय है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक ऋषि महाराज की बात बहुत अच्छी लगती है। हम लोग उसी, मैं हिंदी में इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, हम लोग उसी सुख की अभिलाषा करते हैं जिससे हमको धर्म की प्राप्ति हो। हर तरह का सुख नहीं होता है ना, तो जिस सुख से धर्म की प्राप्ति न हो, उस सुख को पाने के लिए भी आपको बहुत कष्ट करना पड़ता है, लेकिन धर्म की प्राप्ति के लिए आपको कष्ट नहीं करना पड़ता। पूरी दुनिया में बमबारी हो रही है, हम लोग समोसे खा रहे हैं, चाट पी रहे हैं, आप मुझे एडवाइस देते रहते अब ये खाओ ये खाओ, अभी आप मुझे बता रहे हैं घर पे आके मैं आपको ये सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी, तो हमारी बातें अलग होती है। लाइक पूरी दुनिया में बमबारी चल रही है, हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि समोसे में तेल ज्यादा हो गया या कम था, कन्वर्सेशन में रह रही है ना। तो भगवान आपको बचा के रखे हुए हैं, तो इस धरोहर को हम सबको आगे लेके जाना है। सिर्फ मेरा ही कार्य नहीं है, कुछ मतलब माँ का भी कार्य नहीं है, ये हम सबका कार्य है, सबका दायित्व है। तो चलिए आज इसी पे एंड करते हैं, और मैं आप सबसे मिलूंगा मैं भारत में, तो थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।